इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं सबको शुभकामना देता हूँ जो इस कार्यक्रम में सहभागी हुए, उसका मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। आज ये छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है और COVID-19 के कारण बड़ा प्रोग्राम जो लेह में तय हुआ था वो हम कर नहीं पाए और माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश से घर घर में योग करने का मौका इस साल हमें मिला और योग घर में भी और फैमिली के साथ भी जो कुछ हमारा घोषवाक्य था, मेरे ख्याल से ये संपूर्ण दुनिया में आज हम खुद देख रहे हैं। योग ऐसी एक भारत की विश्व को देन है जिसके कारण विश्व निरोगी बने और अपना हेल्थ हो या अपना फैमिली का वेल्थ भी बरकरार कर रख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन लाया और उस वक्त वह 177 कंट्री ने उसको सपोर्ट किया था, उसके बाद में जो पूरी दुनिया के पूरे देश है कई 5 सालों से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपने अपने यहाँ मनाया और योग को सपोर्ट किया, मैं उनका भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। योग एक हमारी संस्कृति है और इसके कारण हम खुद और अपने फैमिली को, समाज को, देश को एकता में अखंड रख सकते हैं। योग यानी योग का दूसरा नाम है जोड़ना, अपने को सृष्टि से जोड़ना, पूरे दुनिया को जोड़ना योग सिखाता है और आखिर जाके अष्टांग योग से हम भगवान को भी जुड़ सकते हैं, ऐसी योग की महिमा है। और जिन्होंने साधु संतों ने इसका प्रयोग करके वो वहाँ जुड़ भी गए हैं और इनके ज्ञान के आधार पर हमें बहुत कुछ उन्होंने दिया है। भारत देश जभी कुछ करता है वो पूरी दुनिया के लिए करता है, खुद के लिए नहीं। योग ऐसी एक देन है कि आज पूरे दुनिया को 5 साल पहले इस योग को पूरे दुनिया में लेके गए और 5 साल के बाद हम एक कोविड की महामारी से त्रस्त है पूरी दुनिया। और यदि ये 5 साल पहले हम योग नहीं करते तो क्या दुनिया की स्थिति होती हम बता नहीं सकते कि यो कोविड वायरस जो है वो इम्यूनिटी पर अटैक करता है, जिसका इम्यूनिटी कम है उस पर अटैक करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी अटैक करता है। और ये दोनों जो है तो योग से हमारी इम्यूनिटी भी हम बढ़ा सकते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मजबूत कर सकते हैं। इनके कारण निश्चित तौर से इस 5 सालों में जो कुछ जिन्होंने योग किया निश्चित तौर से उसको कोविड से फायदा मिला होगा, कोविड उनको टच भी कर नहीं पाया होगा।